जीव का 84 लाख जोड़ में अलग अलग नाम है, किंतु उसके अंदर विद्यमान जो आत्मा है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। ठीक है, जैसे घटाकाश आकाशस्य घटाकाश विकार अवयव, तथा इस प्रकार घटाकाश महाकाश का नाम विकार है न अवयव है, इसी प्रकार जीव भी परमात्मा का नाम विकार है न अवयव है। तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, कैसा, यथा भवति बालानां गगनम मलिनम मलि, जैसे अभी देखिए व्यक्ति आकाश जो है कलमल आदि वस्तु को दिखाई पड़ता है, वो नीला है, कटाकार है, बादल छाए हुए हैं, आकाश के धर्म जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से तथा भवति अभूतानां आत्मा भी मलिनम मलि, अभी देखिए व्यक्ति आत्मा जो है इतना मैं पापी उतना गलती हो गया, आत्मा में नहीं है पाप का सारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जितना आत्मा है उसी में बैठा हुआ है, आत्मा सर्वदा असंग है, पूर्ण पूर्ण है ना पाप, ये चीज को ध्यान रखना। तथा भगवती बालानाम मुनिम मरणय मने, तथा भगवती अभूतानाम आत्मा की मरि, आत्मा ने कभी भी कोई मर नहीं हुआ, जितना अनादिकाल से अविद्या के साथ व्यवहार करते हुए आत्मा में कोई देश मात्र भी नहीं था, सारा मन ग्रहण कर गया। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे जब यहाँ पे देखो अलग अलग सृष्टि के श्रुति के बारे में कथन करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसके साथ कैसे निर्णय करेंगे, तब अपने आप बोलते हैं क्या कि देखो श्रुति ने किसी को निंदा करते हैं और किसी को स्तुति करते हैं। ठीक है ना, जीवात्मनो अनन्नतम अभेदेन प्रशस्तते नानत्तम निंदते न तदेव ही समर्थ, बोलते हैं यदि जीवात्मा और परमात्मा इसकी अभिन्नता एक रस को मानने पर ही जो है ये सामंजस्य घटता है, स्तुति वाक्य सामंजस्य बनता है, क्या सामंजस्य घटता है, वो भेद दृष्टि की निंदा करती है और एकत्र दर्शन से मुक्ति दिखाते हैं परम पद, इसलिए सामंजस्य तभी हो सकता है जब आपको ये जीव परमात्मा का अभिन्नता हमारे मन में भेद होकर के गाय बंधु वहाँ पे तो सृष्टि से पहले तो एक दिखाया, बीच में भिन्न भिन्न दिखाया, बाद में फिर एक नहीं पड़ती है, इसलिए बीच में जो आपको कर्म के लिए उपासना के लिए भेद दिखाए ना, भविष्य वृत्त भावना, इस प्रकार हम भात पकाते हैं बोलते हैं भात पका रहे हैं तो चावल पकाते हैं अरे भात बन जाएगा, इसी प्रकार आगे एकत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसको मन में रखते इसके वहाँ पे वही तो, क्योंकि हमारे वेदांतिक सुंदरता क्या है कि कर्मकांड को जो है मर्यादा देते हुए बोलते हैं कि निर्विशेष तत्व को जानने के लिए आपको जब तक निष्काम भाव से अपनी वर्ण और अष्टम धर्म की पालन नहीं करता तब तक कर्म शुद्ध नहीं होता, इसलिए श्रुति वाक्य की उपयोगिता है, अनुभूति भी नहीं है। सृष्टि वाक्य अलग अलग जगह पर अलग अलग आया हुआ है, उसके संबंध से कैसे बैठा हो, तब क्या बोलते हैं मृणलोह विश्वलिंगा देव सृष्टि या चोरी का अन्न था उपाय से अवतार आय नास्तिक, कहीं पर मृतिका से सृष्टि, कहीं पर गवर्नमेंट ये सोना की सृष्टि, कहीं पर विश्वलिंग का सृष्टि, इस प्रकार से अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा जो सृष्टि को समझाया गया है वो हमारे अंदर एकत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए वो सृष्टि को दिखाने में तात्पर्य नहीं है, किंतु स्वयं सृष्टि को निश्चित करते हैं आचार मनमिकार नाम इस प्रकार से निश्चित कर श्रुति वाक्यों को सामंजस्य ऐसे बैठ जाता है, वो एक उपाय अपने यहाँ सुविधा है अर्थारो भगवान का भय निष्प्रपंच प्रपंच अर्थारो और अभाव प्रक्रिया को श्रुति ने अपने आप को हमारे मन में एकत्र बुद्धि को निश्चय कराने की। ठीक है भाई, श्रुति में तो उपासना कर्म भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, सृष्टि का कोई सामंजस्य उपासना की सामंजस्य कैसे बैठे श्रुति वक्ता है, तब क्या बोला था अष्टम वर्ण और अष्टम के अनुसार लोग जो काम करते हैं ना वहाँ पे अधिकारी की भिन्नता है, मानसिक योग्यता की भिन्नता है, स्मृति चाहती है कि सभी व्यक्ति जो एक ही प्रकार की योग्यता को प्राप्त हो जाए, जो मतलब थोड़ा सा कम बुद्धि संपन्न है तो उसके लिए कार्य ब्रह्म की उपासना शब्द ब्रह्म की उपासना की कहते हैं, जो उससे थोड़ा अच्छा है उसके लिए बोलते हैं कारण ब्रह्म की उपासना ईश्वर, और फिर उससे भी ऊपर है उसके लिए क्या बोलते हैं ठीक है आत्मा का भी चिंता करो, आत्मा कार्यस्त शोध को मन को कभी व्यस्त करो, आत्मा इतने ही उपासना ठीक है ठीक है, और ये तीनों ही जो है अज्ञानी जीवों की स्थिति है वास्तविक उत्तम सहजावस्था, सारा चिंतन छोड़कर जाना शुरू करेंगे सबसे अच्छी स्थिति है, नहीं डाल जाता है तो इस प्रकार की आपको क्रम से बताइए।
तो जीव को अनुकंपा करके मतलब समस्त जीव मुक्ति की ओर धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ पाए। वहाँ वो सदन है, सभी व्यक्ति को विरोध रहित करना चाहता है, भवरोग से ऊपर ऊपर उठना चाहता है। इसलिए सभी जीवों को इस भवरोग की पीड़ा से बचाने के लिए कैसे धीरे धीरे यहाँ पे लाया जाए, उनके प्रति अनुकंपा करके सूखी जो कारोबार है उपासना के शास्त्र में विधान किया। ठीक है, अब इसको बदनाम कर लीजिए हम लोगों ने। हाँ, सीखा सेकेंड पेज सब प्रबंधन भी जो परमाणु अध्ययन का यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पे आत्मा उपासित आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, यहाँ पे उपासना पे नहीं लिखा हुआ है, तब होते हैं अर्थ ही निधिध्यासितव्य उपासना उपदिश्य है ना। मनन निधिध्यास नहीं उपासना को भी होते हैं वहाँ पे, तो मान तो वेदांतिक साधन में विचार भी है, वेदांतिक साधन में और मनन भी है। हमारे देखो दो प्रकार के विचार हो सकते हैं, एक है कि विचार पूर्वक जगत के मिथ्यात्व को निश्चय करके, जिस प्रकार स्वाप्निक वस्तु को विचार पूर्वक हमारा निश्चय हो गया, स्वप्न में देखा हुआ वस्तु का विश्वास तो नहीं हो सकता। अब रात में कुछ भी स्वप्न देखो सूर्य उठ कर उसको लेकर के मथा मगर नहीं करते, लेकिन कोई नहीं करता, क्यों नहीं करता, निश्चय है कि किसी प्रकार वेदांत पर विचार करते करते वेदांत सुनते सुनते जब जागृतिक वस्तु की मुझे मिथ्यात्व मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, कभी भी इसके विषय में कोई चिंतन मन नहीं आएगा, स्वतः ही नहीं आएगा। एक है सहज समाधि चित्तवृत्ति निरोध हो जाए, अपने आप चित्तवृत्ति निरोध हो जाए, और इस प्रकार समाधि से उत्थान नहीं होती। क्यों नहीं उत्थान होती, क्योंकि अपने नाक कान आँख सब खोल करके निश्चय कर लिया, देख लिया कि यहाँ पर कोई सत्य वस्तु नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध जन जो कर्मर हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रारब्ध आत्मा का नहीं है, प्रारब्ध शरीर का कर्म जो कर्म ये भी निश्चय होता है। निधिध्यासी तत्व की उपासना उपदेश विराट और होता है, वहाँ पे जो आया है ना जो आत्मा अपहत्मात्मा भी जो आत्मा अपहत्मात्मा विदर मृत्यु विश्व अभी पास सत्य काम सत्य संकल्प जब आत्मान अमृत ब्रजति स सर्वान लोकान आत्मा भी सर्वान स कामान स आत्मा विजिज्ञा सिद्ध है ना, वो जो शब्द वहाँ पे दिया हुआ वो उसका चिंतन अपना उपासना के लिए, इसलिए बोलते हैं जो आत्मा इत्यादि छांद को श्रुति है, छांद को श्रुति अष्टमर्थ है, मतलब दहर विद्या में आया हुआ दो बार आया, मतलब अपने अष्टमाध्याय में जो आप सप्तम खंड में भी होगा एक प्रथम खंड में भी होगा, उपासना प्रकरण में भी आया है और ज्ञान प्रकरण में आया है, दो ही आया दोनों ही। तो जो आत्मा अपहत आत्मा इस भगवत जो आत्मा इतना दो तो सब जिज्ञासी तव्य इति ध्यान भी उसको जानना चाहिए, मनन जो तो समझना चाहिए। फिर आया है सक्रतुम पूर्वित, ये तो सांडिल्य विद्या है, सांडिल्य विद्या है आपका इस प्रकार से यहाँ पे और भी बोलते हैं कि अद्वैतस्यैव वस्तुत्वे कर्म विधि विशेष विरोध भी प्रसरति, अद्वैत यदि पारमार्थिक है तो कर्म में तो सारा भेद करके कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वस्त्र शूद्र ये वर्ण आश्रम और वयावस्था को लेकर के कर्म को विभाजन किया हुआ, तब तो सारा ही आपका जो है मतलब विरोध हो जाएगा उसके साथ, बोलते नहीं नहीं कर्म है कर्म में भी जो विरोध वहाँ पे भेद करके कहा गया है वो आपको एकत्व दृष्टि को एकत्व बोध को निश्चय कराने के लिए कर्म में भेद की मान्यता दे करके निष्काम भाव से कर्म करना सीखो, वासना ही बंधन के हेतु है, वासना मन से निकल जाए अपने स्वरूप में मुक्ति हो सकती है, इस भावना से वहाँ पे कर्म को भी अलग अलग करके कहा गया है। अच्छा,
तो अद्वैत से अस्तित्व कर्म विधि विरोध अभी प्रश्न कर्म विधि का विरोध नहीं नहीं कर्म नीच अग्निहोत्रादि ने ये विधि है अंतकरण शुद्ध की साधना विधान किया गया। इस प्रकार जो वहाँ पे भेद करके कथन किया गया उसके पीछे क्या कारण है ऐसा पूर्ववादी ने पूछा। पूर्ववादी एकदम पूछने पर क्या बोलते हैं श्रीमद तत्व कारण के विषय में कारण को सुनो। यहाँ पे जिसके बोलते हैं किमर्थानि उपदिष्टानि इति संबंध आपके पुस्तक में क्या लिखा है टीका में वहाँ पे उपविष्टानि लिखा हुआ है ना विष नहीं होगा उपदिष्टानि उपविष्ट प्रवेश होता है उपदिष्टा किमर्थानि उपदिष्टानि वहाँ पे बकार को दकार कर दीजिए किमर्थानि उपदिष्टानि इति और संबंध ऐसा आपको निर्णय का हो तो पहले कौन की मर्था ने उपदिष्टा नहीं दूसरे संबंध पर उपासना उपदिष्टा क्यों ऐसे उपासना की गई है उपदेश किया गया है उसको की मर्था ने उपदिष्टा नहीं कि संबंधी जो कर्मानी अग्निहोत्रा देनी और उपासना देनी की मर्था ने उपदिष्टा नहीं वो क्यों उपदेश किया गया ऐसा करके अन्वय करना। अब जो है अद्वैत अधिकारिणों अधिकारी अंतर प्रति परिहरती जो अद्वैत अधिकारी ये पंचमी उसी यहाँ पे देखो बोलते हैं एक नंबर तीन नंबर टिप्पणी है अद्वैत अधिकारी को सकाशा अर्थात अद्वैत निष्ठा आ गया उससे भिन्न अधिकार उससे भिन्न अधिकारी पंचमी है यहाँ पे अद्वैत अधिकारी अद्वैत अधिकारियों से अधिकारी अंतरम मतलब उससे भिन्न जिसका अब तक अद्वैत निष्ठा नहीं आया उन अधिकारी के लिए अंतर प्रति उनके लिए विधि द्वयम सावकाश मतलब उपासना विधि कर्म विधि सावकाश है उसके लिए उसको है उसके लिए उसका उपयोगिता है ठीक है। अद्वैत अधिकारी न अद्वैत अधिकार मतलब अद्वैत निष्ठा आ गया जिनका उनसे भिन्न सकाशन उनसे भिन्न अधिकारी है ना नहीं आया उसके सुनिए कार अधिकारी अंतरम प्रति भिन्न अधिकारी के प्रति विधि द्वय विधि कौन सा विधि उपासना विधि और कर्म विधि विधि द्वयम सावकाशन उसके लिए उसका उपयोगिता है यदि इसको मन में रखते हुए परिहरती इस शंका को परिहार करते अगर कर्म उपासना के विधान शास्त्र ने क्यों किया तो बोलते श्रेणु तत्व कारण वहाँ पे जो तत्वपद आया हुआ है तत्व को कहते हैं तत्र यदि उपासना उपदेश कर्म उपदेश गृहते तत्व से क्या लेकिन वहाँ पे ये जो कर्म उपासना को उपदेश किया गया है कर्म को उपदेश किया गया है उसमें क्या उपयोगिता है इसलिए बोलते हैं तत्र कहाँ है तत्र कारण इस विषय में कारण इस विषय में वहाँ पे इस प्रकार उपदेश करने के पीछे अभिप्राय क्या है तत्र यदि उपासना उपदेश कर्म उपदेश कर्म उपदेश उपासना उपदेश ग्रहण किया गया तदेव कारण अक्षर योजनया प्रकटयति उसी कारण को मतलब क्यों श्रुति के द्वारा उपासना अथवा कर्म का विधान किया गया उसी को श्लोक की अर्थों के द्वारा श्लोक की पदों के द्वारा अन्वय करके भगवान भाष्य दिखा दिया शंका उठाया गया ना देखिए एक एक करके सृष्टि में आपको भी उपयोगिता क्या है उपासना का आपको उपयोगिता क्या है वेदांति ने जगत की सृष्टि नहीं हुई शास्त्र प्रश्न होने पर भी किस बात में श्रुति में किस बात को भी क्या उपयोगिता है वो तात्पर्य करके दिखा इसीलिए भगवान भाष्यकार में क्या लिखते हैं प्रज्ञा वैशाख वेद श्रुत जल निधेर वेद नाम को अंतर जिसने एक वेद नामक श्रुत एक जल निधि को अपनी प्रज्ञा रूपी वैशाख द्वारा मंथन द्वारा मंथन करके उसका सार को निकाल देवते दुर्लभ देवता के द्वारा विलंब करते दुर्लभ है उस अपनी तत्व को निकाल मानकर निकाल करके शार्ट तत्व निकाल करके मानव को कारिका करने हम लोगों को दिया बोला कि भगवान भाषण के लिए कितना सुंदर शैली है क्या है समस्त वेद की पूरा अच्छी तरह से निचोड़ करके फिर उसका मंथन किया मंथन कैसे किया प्रज्ञा वैशाख वेद शुरू करेगा अपनी है स्थिर बुद्धि के प्रज्ञा के द्वारा समस्त वेद बात में उपयोगी नवेद करते फिर अद्वैत में उसका निष्ठा है इसलिए पारमार्थिक सृष्टि होने संभव ही नहीं है ये निर्णय किया तदेव कारण अक्षर योजना यही कारण क्यों यहाँ पे उपासना और कर्म का निर्देश किया गया उस कारण को श्लोक में आए हुए पद को अन्वय करके भगवान भाष्य का दिखा दिया प्रकट है कि यहाँ पे जाएंगे भाष्य में
आश्रमाहा मतलब आश्रमिनो अधिकृता, जब तक जो जिस आश्रम की अधिकारी है उस अधिक उसको अधिकार में लेकर के आश्रम धर्म को पालन करने वालों को अधिकारियों को संदर्भ में लेकर के भी जाते वर्णिनोश्च मतलब जब आश्रम धर्म के द्वारा केवल आश्रम नहीं वर्ण और आश्रम दोनों को मतलब सूर्य अनुकूल आचरण को पालन करने मार्ग का आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थत्वा ये आश्रम शब्द जो है वर्ण का उपलक्षण है आश्रम शब्द वर्ण का उपलक्षण है इसलिए बोलते हैं वर्ण प्रदर्शनार्थत्व वर्णी उपलक्षणार्थत्व है ना वर्णी मतलब वर्ण को पालन करने वाला वर्ण धर्म को पालन करने उसको बोलते हैं वर्णी आश्रम धर्म को पालन करना बोलते आश्रमिण आश्रम धर्म पालन कर वर्ण उपलक्षण मतलब वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करने वाले धार्मिक व्यक्तियों को श्रुति क्या चाहती है एकत्व बोध के द्वारा ये भी मुक्त हो जाए इसीलिए योग्यता अधिकारी के योग्यता के अनुसार कर्म उपासना और कहीं भी कर्म उपासना मिला करके श्रुति विधान करती है ठीक है ना इसमें देखिए बोलते हैं आश्रम आश्रम एक नंबर टिप्पणी प्रदर्शनार्थ वर्ण प्रदर्शनार्थत्वी भी आश्रम शब्देन आश्रमिण विनियंता वर्णिस्तु कथम निर्धारण यदि आशंका आश्रम शब्द और कार्यकार ने प्रयोग किया तो आश्रम भी ग्रहण करना चाहिए वर्ण को भी कहना चाहते हो अब हमने बोला चक्षुरादि इंद्रिय तो हमारे चक्षु बोला तो चक्षु भी ग्रहण करना चाहिए बोलते नहीं वहाँ पे इंद्रिय सभी को ग्रहण होता है क्योंकि वो उसका क्या है उपलक्षण है जिसके द्वारा विषय ग्रहण किया जाता है इसी प्रकार आपको कर्म अथवा उपासना वर्ण और आश्रम धर्म को मन में रखते शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है वर्ण और आश्रम धर्म एवं वयोवस्था शरीर अवस्था को मध्यान में रखते हुए शास्त्र वगैरह विधान किया गया इसलिए आश्रम शब्द वर्ण का भी उपलक्षण होता है इसलिए होता है आश्रम शब्द न आश्रमी नीर्णता आश्रम शब्द के द्वारा आश्रमियों को ग्रहण करना चाहिए वर्णिनस्तु कथम निर्णय वर्णी को वर्ण धर्म को भी क्यों ले रहे हो ऐसा कोई शंका करता है तो उसका उत्तर बोलता है कि आश्रम आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थत्वा त्रिविध आश्रम शब्द जाए वो वर्ण वर्ण को भी ग्रहण करते उपलक्षण है उसका उसको लेकर के वो दिखाने के लिए आश्रम धर्म प्रयोग हो परंतु यहाँ पे देखिए हमारा पास कितना वर्ण है कृष्ण आश्रम है चार वर्ण चार आश्रम क्योंकि यहाँ पे मान लो कर क्या बोला त्रिविधा मतलब इनको मिला करके तीन कैटेगोरी में पाता इसको मिला करके तीन कैटेगोरी में पाता तीन कैटेगोरी में बांटा मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बौद्धिक योग्यता के अनुसार जहाँ पे है तद अनुकूल जो है आप कर्म करेंगे उपासना करेंगे कर्म से उपासना करेंगे ये आपका बौद्धिक योग्यता का अनुसार इसलिए आप बोलते हैं कि यहाँ पे आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थ त्रिविधा त्रिविधा कथम कैसे तीन प्रकार की है यहाँ पे आनंद की रीति शूद्रान व्यावर्त त्रैकर्णिका नाम एवं ग्रहणार्थम मार्ग का इति विशेषण मतलब मार्ग का मतलब वेद की मार्ग को अवलंबन करके चलने वाला मतलब शूद्र को वेद की कर्मकांड में अधिकार नहीं है अंतु ज्ञान के अधिकार कोई नहीं चला और दूसरी बात क्या है पूरा कर्म में अधिकार नहीं है ये भी आप नहीं कह सकते मैं करना था आपको एक आपके पास आता है कि निषाद स्थपति न्याय कभी करना था पूर्वनिवक्ष दर्शन निषाद स्थपति शब्दों के द्वारा वहाँ पे निर्णय करके दिखाया कि निषादों को चलाने वाले निषादों को चलाने वाले कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लेंगे बोलते नहीं नहीं वहाँ पे जो है कर्मधारा समाज करना है सृष्टि समाज नहीं करना है क्यों क्योंकि आज के लिए लिंग दिखाया क्या लिंग दिखाया वहाँ उस जाग में दक्षिणा के रूप में जो है लोहे की मुद्रा को दिया जाता है यानी कि उसको उसके अधिकारी है ब्राह्मण भी वैदिक समस्त कर्म करने का अधिकार नहीं रखता क्षत्रिय भी नहीं रखता वैश्य भी नहीं सभी के लिए कर्म निर्दिष्ट है ज्ञान के लिए तो किसी के लिए इसके अंदर जैसा जो इसलिए तीन भाग में विभाजन कर दिया उत्तम उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट से बोलते हैं शूद्रान व्यावर्त त्रैवर्णिका नाम एवं ग्रहणार्थम उसको ग्रहण करने के लिए मार्ग व्यक्ति विशेषण और भी एक चीज को मन में ध्यान में रखना चाहिए किसी भी जगह पे व्यवस्था बना के रखने के लिए आपको कर्मों का विभाजन करना ही पड़ेगा समाज व्यवस्था क्यों ऑफिस व्यवस्था बोलिए परिवार व्यवस्था बोलिए हर जगह पे व्यवस्था को बना के रखने के लिए कर्मों का विभाजन आवश्यक है नहीं तो कर्म सांतर जो होगा ही किसी भी जगह पे देख लीजिए किसी भी जगह पे देख लीजिए एक चपरासी आकर के यदि आपको मतलब जो मैनेजर है उसके कमरे में बैठ जाएगी एम बी पास करने वाले और चला पाएगा हाँ आजकल ऐसा है योग्यता के अनुसार हो सकता है कि उसको विभिन्न पोस्ट में काम करना पड़ रहा है अच्छा योग्यता है वो बता रहा है योग्यता है तो उसके लिए भी चला पाएगा निश्चित नहीं करता
परंतु इसी में जाकर के व्यवस्था को बना के रखने के लिए निश्चित ही कर्मों का विभाजन चाहिए, नहीं तो किसी भी जगह सुष्ट से सुष्ट प्रकाश नहीं चल सकता किसी भी जगह। इसी जगह बोलते हैं कि कार्य है शुद्धां व्यावर्त त्रैव निकानां एव घनत्वं मार्गः इति विशेषणं मार्गः चान्नं वचि मतलब वेद उपदिष्ट मार्ग गामिन इति अर्थ है ना, वेद उपदेश किया जिस प्रकार की कर्म था मार्ग को उसको जो है अनुसरण करने वाला मार्ग गामिन उस मार्ग में चलने वाले को होता है मार्ग मतलब अनुष्ठान इति विशेषण त्रैविधम एव आकांक्षा द्वारा स्फोट यदि देखिए अब यहाँ कोई करते तीन प्रकार के अधिकारी दिखाया उसको भी कौन कौन है उसको आप अपने प्रश्न उठा करके स्पष्ट करते त्रैविधम एवं अधिकारी भी तीन प्रकार का को आकांक्षा द्वारा मतलब जिज्ञासा उठा करके स्कोर यदि स्पष्ट करते बोले कैसे तब ये नहीं बोलो वहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वहाँ पे क्या बोला हीन मध्यम उत्कृष्ट किसी भी कैटेगरी में हो सकते हीन मध्यम उत्कृष्ट यहाँ पे इसलिए बोलते हैं प्रथम अब हीन योग के लिए मतलब जिसके अंदर उतना बौद्धिक योग्यता नहीं आया उसके लिए कार्य ब्रह्म विषयत्वात्कृष्टत्व कार्य ब्रह्म पुस्तकों पर तो सामने दिखाई पड़ता है उनको उपासना करने के लिए बोलते हैं इसीलिए उसमें अधिकारी तो बड़ा कम है। मध्यमत्तम कारण ब्रह्म विषयत्व मध्यम का हाथ बोला ईश्वर को चिंतन करने के लिए वो अच्छा अधिकारी है तो उस मध्यम अधिकारी है और उत्कृष्टत्व अद्वैत विषयत्व इति रसत्व और उत्कृष्ट का क्यों हुआ उसके अंदर एकत्र चिंतन करने का एक रास्ता गुण एकत्र चिंतन कर सकते यदि निषेध रूप में शुरू ही हो गए उत्कृष्ट तो हीन मध्यम और उत्कृष्ट इसका मतलब यदि आप ऐसा कहेंगे हीन मतलब वैश्य और मध्यम मतलब क्षत्रिय और उत्कृष्ट मतलब ब्राह्मण उल्टा हो जाएगा पूरा नाम क्योंकि यहाँ पे आपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जिसके अंदर जैसा योग्यता जिसके अंदर जैसा योग्यता इसी जगह बोलते हैं कि कार्य ब्रह्म विषयत्व निकृष्ट मतलब कार्य ब्रह्म संबंधित उपासना कर्मों का विधान करने के कारण करने के कारण उसके अंदर आधिकारिक थोड़ा कमी है। मध्यमत्तम कारण ब्रह्म विषयत्व मध्यम व्यक्ति देखो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं कि लोग जो छोटे छोटे देवी देवताओं को पूजा करते हैं और उसी के अंदर मैं विद्यमान हूँ मेरे को चिंतन नहीं करते सप्तम अध्याय बोला कि नहीं बोला ये अधिकारी की बहुत ही कमजोर अथवा विषय की इच्छा के कारण भगवान की चिंतन नहीं करते हैं देवी देवताओं को बोलते हो गए विकृष्ट अधिकारी उपासना करते हैं शास्त्रीय मार्ग में चलते हैं परंतु अधिकारी की कमी है क्योंकि जागृति उपासना की और ईश्वर के फिर उस ऊपर वाले के अंदर उसी स्थान में ईश्वर के चिंतन करते हैं उसको क्या होता है वो मद्भक्त जाति माम अपनी भगवत भगवत चिंतन करने वाले लोग भक्त जो चाहते हैं वो भी मिलते हैं और बाद में अंतकरण शुद्ध होकर भगवान को ही प्राप्त करते हैं देखना चाहते हैं वहाँ फिर उत्कृष्टतम हो क्या हो गया अद्वैत विषयत्म भगवान पर भिन्न रूप से चिंतन करना है ना अपने स्वरूप अंतर जब चिंतन करना ये अधिकारी को सबसे अच्छा कुछ भी नहीं मांगते हुए सबसे उत्तम अधिकारी तो क्या है बिना किसी मांगते हुए बात भगवान संसार से मुक्त हो जाते तो स्वरूप भगवान को जानना वही मुक्त है एवं इस प्रकार से पूर्वार्थम व्याख्याय श्लोक की पूर्वार्थ आश्रम त्रिविधा हीन मध्यम उत्कृष्ट दुष्ट इसको व्याख्या करके उत्तरार्थम व्याख्या उपासना उपदेश तदर्थम अनुपम कया है ना उत्तरार्थ है उसको व्याख्यान करते हैं उपासना यहाँ पे देखिए आप इसमें आ जाइए भाष्य में भी उपासना उपदिष्टा यम ये उपासना को उपदेश किया गया तदर्थम तदर्थम मंद मध्यम दृष्टि अष्टमाद्यर्थम मंद मध्यम दृष्टि अष्टम आदि को उन लोगों के लिए अष्टम आदि आश्रम वर्णन धर्म को पालन करने उन लोगों के लिए उपासना और कर्म च उपासना उपदिष्टा यम तदर्थम मंद मध्यम दृष्टि अष्टमाद्यर्थम कर्मणि च कर्म को भी उन लोगों के लिए विधान किया गया है जिस प्रकार के अधिकारी की योग्यता इस प्रकार अधिकारी की योग्यता फिर आगे बोल रहे हैं कि उपासना कर्म उपदेश कर्म का उपदेश भी इसी के लिए है मतलब अधिकारी की योग्यता कहाँ तक है इसीलिए छात्र को पुरुषत नाम को क्या देखते हैं पहला दो अध्याय कर्म अंगभवत उपासना पहला दो अध्याय छात्र को पुरुषत कर्म अंगभवत उपासना है और भगवान भाष्यकर वहाँ पे लिखते हैं अपने आप ये कर्म करने में आसक्त भी को अचानक कह के केवल उपासना करो छोड़ नहीं सकता कर्म को इसलिए श्रुति यहाँ पे उपाय को अपने क्या उपाय अपना उस कर्म करो उसके साथ उस देवता को चिंतन भी करो है ना इसलिए ज्योतिष छांदोग्योपनिषद में मूल कर्म है ज्योतिष जा
सामवेदी कर्म होने के कारण उसमें सामदान उसका अंग है, उस सामदान की एक अवयव है उनकी इच्छा विशिष्ट, उसको गीत का आश्रय कर उपासना करना। इस प्रकार से यहाँ पे जो कर्म कर्मानिचा कर्म उपदेश कर्म का उपदेश भी अधिकारी के तदर्थ मतलब मध्यम मध्यम अधिकारी के लिए कर्म का भी उपदेश है। कर्मानिचा व्यावर्त्यम अंश दर्शयति, इसके द्वारा किसको अलग करना चाहते हैं? व्यावर्त्य मतलब अलग करने योग्य जो अंश है उसको दे, किसको अलग करना चाहते हैं? जिसका अंदर एकत्व निष्ठ हो गया उसके लिए सब नहीं है, इसलिए बोलते हैं व्यावर्त्य अंश। न च आत्मा एक एव अद्वितीयति निश्चित उत्तम दृष्टि अर्थ, ठीक है ना, जो आत्मा एक है अद्वितीय इस प्रकार निश्चय हो गया जिसका उनके लिए जो है उत्तम दृष्टि अर्थ दया उनके लिए ये नहीं है। न च आत्मा एक तत्व हम विपमा करते हैं, और ये सारे उपदेश कौन किया? दयालु न वेदेन अनुकंपया, दयालु वेद के द्वारा विष्णु के द्वारा भगवान ने अनुकंपा करके मतलब सभी को हम सन्मार्ग में लाएंगे और सभी को मुक्ति की दिशा दिखाएंगे, उसके लिए वेद के द्वारा ऐसा किया है। वेदेन उपासनादि उपदेश मंदानां मध्यमानां च कथम अमुद्र सिद्धति इति आशंका आहत, है ना, वेद के द्वारा उपासना आदि उपासना और कर्म के उपदेश में मध्यम अधिकारी और मध्यम मध्यम अधिकारी के लिए अनुग्रह कैसे हो जाएगा? वो यदि ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कथम अनुग्रह सिद्धति इति आशंका, सन्मार्ग का संत मतलब अच्छे मार्ग में चल करके अपनी वासनाओं को धीरे धीरे कम करके सन्मार्ग का संत सन्मार्गामी हो करके सन्मार्ग का संत कथम इमाम उत्तम एकत्व दृष्टि प्राप्त हो, सन्मार्ग में चलते हुए कैसे ये उत्तम दृष्टि को प्राप्त कर पाए? उत्तम दृष्टि क्या है? एकत्व दृष्टि, अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि हो जाता है दृष्टि से बोलते हैं। सन्मार्ग का संत सन्मार्ग में चलते हुए कथम कैसे इमाम ये उत्तम एकत्व दृष्टि ये उत्तम सबसे उत्तम एकत्व दृष्टि इसको प्राप्त कर जाए उपासना उपदिष्ट कर्मानि च इति पूर्वेण संबंध है ना। तो वो इस प्रकार आत्म एकत्व दृष्टि प्राप्नेयुः है ना, तस्मात् कर्माणि उपदिष्ट कर्माणि उपासना च उपदिष्टानि, उसके साथ अन्याय होगा। इसका प्राप्नेयुः इति इस प्रकार की एकत्व बुद्धि को प्राप्त कर सके इसलिए, मतलब इसलिए उपासना उपदिष्ट कर्माणि च, इसलिए उपासना और कर्म को उपदिष्ट किया गया पूर्वेण संबंध पहले है यहाँ पे बोल कर क्या है ना कि उपासना उपदिष्ट एयम इसका इसका संबंध करना। उपास्यत्वं ब्रह्मैव उपास्यं ब्रह्मैव न भवति इति प्रतिषेधा मंद मध्यम दृष्टि विषयत्वं उपासनस्य मंद दृष्टि विषय उपासनस्य प्रतिभाति इति आह। आप क्या बोलते हैं? दुष्ट जल लिखते हैं किंतु श्रुति अपने आप जो उपास्य जो होता है वो पारमार्थिक ब्रह्म नहीं है, है ना, उपास्य कार्य ब्रह्म होता है, इसलिए बोलते हैं उपास्यं ब्रह्म एव न भवति, जिसको हम उपासना करते हैं वो जो है मतलब ब्रह्म की पारमार्थिक स्थिति नहीं है। इति प्रतिषेधा क्योंकि उपासना को निषेध की गई इसमें उपनिषद, इसलिए मंद मध्यम दृष्टि विषयत्म उपासना, उपासना जो है कम कम योग्यता वाले व्यक्ति के लिए उपासना को विधान किया गया है। प्रतिभाति ऐसा ऐसा मतलब ध्यान रखना कि उपासना मंदम मध्यम अधिकारी होने पर भी कृतोपास की पुरुष जो सबसे उत्तम अधिकारी होता है वेदांत, महिला को तो चाहिए थे कृतोपास की पुरुष जो है सबसे उत्तम अधिकारी होता है। उपासना चाहिए इस जन्म में क्यों चाहे जन्मांतर में क्या होगा, कुछ ना कुछ कर्म उपासना करने का फलस्वरूप भी अंतकरण शुद्ध होने पर शुरू से वेदांत में निष्ठा, शुरू वेदांत में निष्ठा। पांच नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं? उपास्यं ब्रह्मैव न भवति तदर्थम अनुकंपय तत्शब्देन उत्कृष्ट दृष्टि अपरामर्श है ना हेतु अवतारयति उपास्यमेतदेन तदर्थम अनुकंपय तदर्थम मतलब किसके लिए उत्कृष्ट दृष्टि के लिए निकृष्ट दृष्टि के लिए तदर्थम अनुकंपय जो है ना उपासना उपदिष्ट तदर्थम अनुकंपय मतलब उनके लिए किसके लिए
कारण क्या है कि उपासना को निंदा किया गया है। आप नहीं उपासना के परिषद में क्या क्या करते हैं वहाँ पे, नहीं एकदम क्या एकदम उपासना चला सिद्ध उपासना को ये ब्रह्म नहीं ऐसा करके क्या है वहाँ पे उसमें हम उद्धित करें ना। तदर्थम श्लोक में आए हुए है जो तदर्थम अनुकंपया उस तत् शब्द के द्वारा किसको ग्रहण करेंगे, उत्तम अधिकारी को नहीं। क्यों? क्योंकि उपासना को अपने आप सुखी नहीं करें ये अभिप्राय तदर्थम अनुकंप इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान को अच्छी तरह से यथा भगवती बारा मरे आकाश तथा भगवत अभुत्थान आत्मा भी है इस प्रकार अभिवेक के कारण ही हमको लगता है कि मैं पापी हूँ मैं हमारे आत्मविष्टि से बैठे हुए आत्मा आपका धर्म है ही नहीं। इसका मतलब जो मर्जी भी नहीं करता व्यक्ति अनेक जन्म के पुण्य के फलस्वरूप दब जाकर के शुद्ध बुद्धि होता है नाशन को मिलेगा तो तदर्थम तत् शब्द ने उत्कृष्ट दृष्टि और परामर्श है उत्कृष्ट दृष्टि को परामर्श नहीं करने के लिए क्या कारण है उसके यहाँ पे कहते हैं उपाश्रम उपाश्रम ब्रह्म ना भगवती की प्रतिष्ठा मंद मध्यम दृष्टि विषय मंद मध्य को विषय करने वाला विषय है क्या उपासना उपासना से प्रतिभा की उपासना ऐसा लगता है कि आह एक कहाँ से युद्ध दिया जन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम जनिनम उपासते। आप पांच जगह में दिखाया जल पाचान जन भागुत जल स्वर्ण न स्वामी जन स्वप्न तदेव ब्रह्म तदेव प्राणी न प्राणी जिन प्राणी प्राणी न प्राणी अति तदेव ब्रह्म इस प्रकार से अलग अलग जगह पे देखा करते सुखी नहीं कि यहाँ का प्राण को तो हर जगह पे लगभग जब प्राण उपासना है सभी को शुरू हो जाता है फिर भी बोला कि न प्राणी न अपानी न मन तो जीवन पश्चिम इतरी न तू जीवन ये जीव जो है प्राणोपान से नहीं बचता ये प्राणोपान भी जिसके रहने के कारण व्यापार करता है उसके कारण से जीव की गति होता है। इस प्रकार से सुनी जाए उपासना को निंदा करने के कारण ये मध्यम और मध्यम अधिकारी के उत्तम अधिकारी के लिए नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं अद्वैत दृष्टि नाम तो वर्ण आश्रम भेद अभिमान अभावादेव न उपासना कर्म व संभव ऐसा एक बहुत बड़ा शब्द है यहाँ पे जब तक हम ये वर्ण और आश्रम का अभिमान रख के कर्म करते रहेंगे तब तक आत्मज्ञान हम संभव क्योंकि आपको शरीर मान्यता दे दिया इसलिए धीरे धीरे ये छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है हमें साधन अवस्था में ध्यान रखना चाहिए ठीक है हम व्यभिचार नहीं करेंगे परंतु ये वर्ण और आश्रम के ऊपर यदि हम मतलब जोर लगाएंगे ना तो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे तब बाहर नहीं आएंगे शुरू होता है अद्वैत दृष्टि नाम तो अद्वैत मतलब भेद रहित दृष्टि वाले के लिए तो वर्णाश्रम भेद अभिमान अभाव है ना वर्ण और अष्टम के जो भेद है उस भेद में अभिमान की भेद मतलब विशेषता है क्या लेंगे विशेषता वर्ण और अष्टम संबंधित जो विशेषता है उस विशेषता की अभिमान की अभाव होने के कारण ठीक है वर्णाश्रम भेद अभिमान अभाव एकत्व दृष्टि में क्या है वर्ण और आश्रम से प्राप्त होता है जो विशेषता उस विशेषता की अभिमान की अभाव होना कहता है ना उपासना कर्म व संभव दृष्टि से न उपासना न कर्म दोनों होना संभव नहीं आलोचित मन में रखते हुए कहा तत्वशी आत्मयम सर्वयुक्ता ही एकत्व प्रतिपादन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो है कि आपको उपासना आदि की करने का कर्म की आवश्यकता नहीं है बस शुद्ध आत्मचिंतन में बैठे उत्तम अधिकारी इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। क्या लिखा है इसमें कि उपासना और कर्म की शास्त्र में क्यों विधान किया गया और सृष्टि की भी उस वाक्य शास्त्र में क्यों आया ये दो श्लोकों में बहुत अच्छी तरह समझ में सृष्टि का वाक्य शास्त्र में क्यों आया क्योंकि सृष्टि में अभिन्नता को दिखाने के लिए सृष्टि का वाक्य को समझाने के लिए और उपासना कर्म आदि का क्यों आया क्योंकि अधिकारी के अंदर योग्यता लाने को चेक करते हुए तो आप द्वैतवादियों भी यही काम करते हैं बोलते नहीं वहाँ की क्या परेशानी है आप दस लोग में देखोगे अद्वैत दर्शन से उपासनादि विधि विरोध अभाव अभी मतांतरे विरोध अस्थित आशक्त तेषा भ्रांति मूलता
अब क्या बोलते हैं, ठीक है आपने अभी युक्ति के द्वारा समझा दिया अद्वैत सिद्धांत अथवा उपनिषद वाक्यों के साथ कर्मकांड वाक को, सृष्टि वाक को, उपासना वाक को भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एकत्र को समझाने समझने के लिए अधिकारी को युक्त कराने के लिए इसके विचार किया गया। परंतु अन्यवादी तो भेद मानते हैं, उसके साथ भी हमारा विरोध हो जाएगा। उसी आस्तिक दर्शन को लेकर ही बोलते हैं, आस्तिक दर्शन में भी नास्तिक दर्शन में भी सभी भेद मानने पड़े। नास्तिक दर्शन में सात है, एक चारवाक दर्शन तो शरीर को आत्मा मानने वाले हैं। बौद्ध दर्शन में चार है, स्वतांत्रिक, वैभाषिक और विज्ञानवाद और शून्यवाद। और जैन में है आपका दो बात, पीताम्बर दिगंबर। इस प्रकार से छः सात मतलब नास्तिक दर्शन है, मतलब वो वेद को नहीं मानते। और छः हमारा आस्तिक दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व एवं शुद्ध मीमांसा। सभी भारतीयों ने भेद माना तो इसके साथ तो आपका विरोध हो ही जाएगा, इसके साथ तो आपका विरोध हो ही जाएगा। तब उसको अद्वैत दर्शन से अद्वैत सिद्धांत का उपासनादि विधि विरोध अभाव या उपासना विधि कर्म विधि के साथ विरोध का अभाव होने पर भी मतांतरे विरोध अस्ति। अन्य दार्शनिक का मत के साथ विरोध है, अन्य दार्शनिकों के मत के साथ विरोध है, बस की आशंक ऐसा कोई शंका उठाते हैं। तेषाम सिद्धांत तेषाम भ्रांति पूर्वक उनकी जो दर्शन है ना, पूर्ण विचार नहीं करने के कारण इस तरह के पहुँचा तेषाम भ्रांति पूर्वक मई बापू। भ्रांति उसका मूल क्या है, उसका मूल है भ्रांति, है ना, तब से वो उसका चिंता। इसलिए तो उनके साथ भी हमारा विरोध नहीं है। हम देखिए कितना सुंदर बोलेगा, जैसे प्रकार मान लीजिए आपका हाथ कभी आपका आँख में लग गया तो आप हाथ के साथ लड़ाई करते भी नहीं करते, आपके दांत आपकी जीवना को काट कर तभी और टूटता ही, तो आप एक मौका मार के दांत को गिरा देते हैं कि नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते, क्योंकि हर जगह पे मैं ये बैठे। इसी प्रकार जो व्यक्ति अद्वैत दर्शन में बैठा हुआ सभी को मैं दृष्टि से देखता है, इसीलिए कोई विरोध करे, कोई गलती भी करे, कोई हमारे फिर हम उसके साथ विरोध नहीं करते, हमें मौका मार के उसका नाश नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं नहीं सुनू। ये देखिए अपना कितना सुंदर, सिर्फ अद्वैत समझने के बाद व्यवहार में विष्टता सुंदरता क्यों नहीं आएगा। अद्वैत भी आप ठीक से समझ जाएंगे अपने आप ही अनुभव करने के बाद एक अलग बात आती है, पर परोक्ष ज्ञान से भी यदि निश्चय रहे तो कोई व्यवहार में सुंदर। आगे बोलते हैं आप श्लोक में आ जाइए। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु स्वसिद्धांत व्यवस्थासु दैतिनो निश्चिता दृढ़ वैतिनो निश्चिता दृढ़ परस्परं विरुध्यन्ते परस्परं विरुध्यन्ते तैनयम् न विरुध्यते तैनयम् न विरुध्यते स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़ परस्परं विरुध्यन्ते तैनयम् न विरुध्यते। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु अपने अपने सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से निश्चित दिखाने के निश्चय करने के लिए द्वैतिनो भेदवादी लोग निश्चिता दृढ़ अपने अपने सिद्धांत दृढ़ रह करके वो भेद को निश्चय करते रहते हैं। फर्क क्या होता है, वो भी भेद बोलते हैं, वो भी भेद बोलते हैं, परंतु एक बात क्या बोलते हैं, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होता है, एक बोलते हैं अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है। दोनों भेदवादी है, न्याय वैशेषिक दर्शन को आरंभ बात को मानते हैं, नया वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं, शाम को योग दर्शन क्या करते हैं वो क्या बोलते हैं, विद्यमान वस्तु की उत्पन्न होते हैं। वेदांति क्या बोलते हैं, उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति अभी हम बोलेंगे। अब इस प्रकार से और बौद्ध दर्शन थोड़ा बहुत तो ठीक उत्पत्ति नहीं है कल्पना है, परंतु वो भी जो विज्ञान बहुत ठीक ही अपना मान लिया, अथवा शून्य को ही अपना मान लिया, चार बार अपने इसको आत्मा मान लिया, शरीर को आत्मा मान लिया। जैन दर्शन में आत्मा को परिमाण के रूप में शरीर परिमाण मान लिया, आत्मा कितना है, अन्य सभी वादियों ने आत्मा को विभू माना यह, परंतु ये जो है आत्मा को अनेक माना और शरीर परिमाण माना। अरे शरीर परिमाण मतलब आप इस समय मनुष्य शरीर में हो, इसके बाद कर्म की निवृत्ति कर बच्ची भी शरीर हो सकते हैं, अथवा हाथी शरीर हो सकता है, तो आत्मा कैसे समझोगे, ये भाई उनकी मान्यता ऐसी है।
यस्य व्यय अभी गुणे स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़ द्वैतवादिनो अपने आप ही सिद्धांत अपना दृढ़ है उसमें और फल तो क्या करते हैं परस्पर विरुद्ध आपस में विरोध करते हैं। तही उन लोगों का सा अयम अयम क्या करेंगे आप द्वैत दर्शन अयम ना विरुद्ध है ये अद्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन किसी के साथ विरोध नहीं है अवैध दृष्टि के साथ अद्वैत अय ये मतलब अद्वैत अद्वैत आत्मदर्शन जो है ये किसी के साथ विरोध नहीं है अयम ना विरुद्ध है ये इसके साथ विरोध नहीं है। यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी लिखे पड़ता स्वसिद्धांत मूल लोग स्वसिद्धांत व्यवस्थासु स्वसिद्धांत प्रतिपादन प्रकारेषु अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपस में दुष्ट विचार है। एक बार ही बोलते हैं नहीं नहीं सद वस्तु सत से कार्य की उत्पत्ति असत की उत्पत्ति नहीं दुष्ट कहते नहीं असत से उत्पत्ति यदि कार्य पहली है तो उत्पत्ति कैसे उत्पत्ति का आवश्यक और एक बार ही तो डर के मारे पूरा सृष्टि को नित्य ही मान लिया क्योंकि वेद अपौरुषीय है और वेद सृष्टि का अंतर्पाती है। अगर सृष्टि होती होती है बार बार कल्प में तब तो वेद में जो है पौरुषीय तो धर्म आ जाए प्रदर्शन वो वेद जो है ज्ञान राशि है कि उनके सिद्धांत में ना पूर्ण ईश्वर शब्द फलत क्या हुआ देखते बताते हैं ये महाप्रलय में जिस प्रकार सुषुप्ति काल में ज्ञान रूप में हमारे अंदर सारा ज्ञान रह जाता है उसका भी जब तक हम उनका भी आता है इसी प्रकार महाप्रलय में निश्चय में सारा ये जो सृष्टि ज्ञान रूप में नहीं जाता है फिर वो नया संकल्प में बहुत उभर के आता है इसमें परंतु ये लोग नहीं ये मानते नहीं फलत क्या होता है अपने अपने सिद्धांत को पत्र करने के लिए वेद को हर जगत के भीतर भी मानते हैं स्वसिद्धांत प्रतिपादन प्रकार अपने सिद्धांत प्रतिपादन की प्रक्रिया में वो लोग क्या कि आपस में द्वैतिकरणी का निश्चय है हमने जो कहा यही ठीक है इससे भी हो ही नहीं सकता परस्पर विरुद्ध जिसमें आपस में विरोध करते हैं कई अयम नहीं हमारे अद्वैत सिद्धांत अद्वैत आत्मदर्शन किसी के साथ विरोध नहीं करने का हमसे भिन्न नहीं है क्या बताया मैं जब जब अपने शरीर में एक अंग प्रत्यंग दूसरे अंग प्रत्यंग चोट लग जाता है तो हम उसके साथ विरोध नहीं करते कभी कोई नहीं बोलता है आँख ने हमारे उंगली ने आँख को क्या किया क्या उंगली को काट देता है हमको दर्द लगेगा इसलिए ऐसा होता है कि नहीं आप देखिए श्लोक सत्य का बोलते हैं श्लोक से तात्पर्य वक्त भूमिका करोगी श्लोक की तात्पर्य को बोलने के लिए भूमिका करता है कौन कौन भूमिका करता है भूमिका करोगी का करता कौन होगा भाष्यकार हाँ श्लोक से तात्पर्य वक्त भूमिका करोगे भगवान भाष्यकार आप भाष्य में आ गए शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारित अद्वय आत्मदर्शन सम्यक दर्शन नाम शास्त्र उपपत्तिभ्याम मतलब ये दो चीज आधार के आते एक शास्त्र वक्त उसके साथ शास्त्र और युक्ति उपपत्ति मतलब युक्ति ना शास्त्र उपपत्तिभ्याम शास्त्र और युक्ति इन दोनों के द्वारा अवधारित अथवा निश्चित हो जाने का कारण निश्चय का अद्वय आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम भेद रहित जो आत्मा है इस प्रकार जो दर्शन है वो है यथार्थ दर्शन को ठीक है। दो नंबर टिप्पणी सम्यक दर्शन मतलब निरवध दर्शनम दोष रहित दर्शन है ठीक है ना शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारित अथवा शास्त्र और युक्ति इन दोनों के द्वारा निश्चय हो जाने के कारण अद्वय आत्मदर्शन भेद रहित आत्मा एक है ना एक में अद्वित इस प्रकार जो आत्मा का दर्शन मतलब अनुभूति वो है सम्यक दर्शन यथार्थ दर्शन और दोष रहित दर्शन है। तद बाह्य कमा हो गया यहाँ पे तद बाह्य मिथ्या दर्शन तद बाह्य मतलब क्या हो जाएगा शास्त्र और उपपत्ति के बाहर होने के पूरा शास्त्र को भी नहीं लिया पूरा युक्ति को भी नहीं लिया तब से क्या लेंगे दोनों को ले रहा है फिर वहाँ क्या दिख रहा है शास्त्र और शास्त्र अनुकूल युक्ति के द्वारा अद्वैत सिद्धांत पुष्ट होने के कारण वो दोष नहीं है और इन दोनों से रोहित होने के कारण अन्य दर्शन में गलती कुछ नहीं है इसलिए बोलते हैं तद बाह्य मतलब शास्त्र और शास्त्र अनुकूल युक्ति से बहिर् बाहर होने के कारण मिथ्या दर्शन अन्य यथार्थ दर्शन नहीं ना दुष्ट दर्शन है ना ये हो गया ये बोलते हैं इतश्च मिथ्या दर्शनम द्वैतिनाम इस कारण से भी ये जो है आप संसार में बंधन का कारण क्या है छोटे में यदि आप बोलेंगे संसार में बंधन का कारण क्या है भाषण भाषण से राग द्वेष
यानी कि राहत देश भी हमारे प्रधान देश के होता भेद बुद्धि के कारण प्राप्त होती है। अच्छा ये होगा यही तो राहत देश। और ये कब तक रहेगा? जब तक ये वो भेद रहेगा तब तक ये राहत देश से बच नहीं पाएगा, है कि नहीं। अब जो है ये द्वैती है आपस में जो है ये उसने ऐसा बोला तो ऐसे खंडन करो ऐसे ये हो गया बर्मा। इसलिए बोलता है कि तस्य इस कारण से भी मिथ्या दर्शनम द्वैतिनम, ये दर्शन करने वाले का जो दर्शन है वो यथार्थ दर्शन है या मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्यार्थ विषय का मिथ्या दर्शन मतलब वो मिथ्या विषय को लेकर के विचार किया जिस दर्शन में पूरा शांतकारी का आपने पढ़ लिया एक बार तो पढ़ लिया पूरा शांतकारी का मैंने प्रकृति को लेकर के विचार और जिसको सुनिश्चित कर देती है मिथ्या विषय को विषय करके मिथ्या विषय का अवलंबन करके बनाया गया दर्शन जी ब्रह्म मतलब शास्त्र निष्ठ उसको मिथ्या किया गया है। आकाश वायु अग्नि जल विजन से परमात्मा की कथा नहीं है ठीक है कल्पना की जाएगी और उसी को विषय करके जो दर्शन बनाया इसलिए वो दर्शन है परमात्मा की मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्या अर्थ विषय का मतलब मिथ्या विषय को विषय करने वाला है मिथ्या अर्थ मतलब विषय और विषय करने वाला उसका दर्शन का विषय क्या मिथ्या विषय को विषय करने वाला दर्शन होने के कारण उसे परमार्थी कथा नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन इतस्य दैतिना दैतवादी का क्यों राग देशादि दोषास्पद है ना ये अच्छा है ये ठीक बोला ये गलत बोला इस प्रकार से जो बोल रहे हैं इसके इसके आधार पर होने के कारण इस दोष के द्वारा पुष्ट होने के कारण राग देशादि दोषास्पद राग देश दोष की आस्पद आधार होने के कारण यहाँ पे देखिए चार नंबर राग देश आदि दोषास्पद न ही अन्न का विरोध संभव यदि राग देश नहीं होता तो विरोध नहीं होता यदि राग देश नहीं होता तो विरोध नहीं होता विरोध का मतलब ही है कुछ राग देश बैठा हुआ विषमती यहाँ पे फिर यहाँ पे आदि शब्द में तरह राग देश आदि आदि शब्द से क्या लेंगे माँ मध माँ अभिमान ये शब्द अपने समझा ये विचार किया दूसरे बल जितने शब्द ये बल आपस में चलता रहता है इसकी एक चीज और ध्यान रखना है कोई चीज समझने के लिए हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं कहीं फिर वाद विवाद हो रहे हैं तो हंसना जो हो रहा है वाद विवाद भी क्या कि जिस सिद्धांत में हमने अपने छात्र क्या बोला हमने कुछ बोल पा चाहते क्या बोल कि हम तो एक अयोध्या करते उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है हम जो इतना ही जानते हैं ठीक है आज उसको समझ में नहीं आया कल समझ में आ जाए नाम से भिन्न रहेगी जो सब तो उसके लिए इसलिए आप बोलते हैं कि राग देश आदि आदि शब्दों से क्या लेंगे मान अभिमान अभिमान मत मत्स्य देश शब्द आसमान कदम ये कैसे आपको समझ में आया तब होता है स्वसिद्धांत व्यवस्था सु अपने सिद्धांत को व्यवस्थित करने में व्यवस्था शब्द से अपने व्यवस्था करने की अवस्था में स्वसिद्धांत रचना नियम है स्व अपने सिद्धांत की रचना की जो नियम है उस नियम को बनाने में कौन कौन है कभी कभी का क्या हो जाएगा साधु है जो कना हो जाएगा अपना न्याय बुद्ध बुद्ध विचार हो जाएगा आपका क्षणिक विज्ञान और आपका चौथांतिक वैभाषिक क्षणिक विज्ञान शून्यवादी चार और अर्ध काशन का हो जाएगा दो बार है ना चिदम्बर पितम्बर जिग दिगम्बर इत्यादि दृष्टि अवसर इस प्रकार दृष्टि को अवसर करने वाले दैतिनो निश्चित दैतवादी लोग आपस में निश्चय है कि वो भिन्न हो जिससे नहीं सत्य प्रकार एवं एवं ईश्वर परमार्थ न अन्नता जैसा मैं बोला यही सही है परमार्थ मतलब मोक्षादि अभिलाषित अर्थम एवं मतलब इसी से मुक्ति प्राप्त हो सकता है दूसरे से नहीं हो सकता है मोक्षादि अभिलाषित अर्थ एवं एवं है ना मोक्ष चाहने वाले के लिए यही एकमात्र उपाय है एवं कपिलादि उक्ति कपिलादि उक्ति एवं अर्थ कपिलादि का जो उक्ति है वो इस प्रकार से समझना चाहिए पर इसी से मुक्ति हम इस प्रकार से परमात्मा अन्न का ही दूसरे प्रकाश नहीं है तत्र तत्र अनुरक्त कुछ विषय में अभिनिवेशता दुराग्रह रखने वाला यदि पूरा श्रुति को विचार करके बोलते उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं था कि श्रुति का एक देश को ले लिया पूरा नहीं विचार किसके बोलते हैं छह नंबर अनुरक्त मतलब अभिनिवेशता प्रतिपक्षम से आत्मा पश्चिम अपने से विरोधियों को देखते हुए प्रतिपक्षम
प्रतिपक्ष मत अपने विरोधी आत्मन आत्मा का पश्चंत देखते हुए अपने विरोधी को देखते हुए तम दिशंत उन लोगों को देश करते इति एवं इस प्रकार से राग देश उपेता वो जो कहता राग और देश से जुड़ा हुआ हो जाता है। स्वसिद्धांत स्वसिद्धांत दर्शन निमित्त में परस्परम अन्योन्य विरुद्ध अपने सिद्धांत में जो दर्शन है मतलब जो दृष्टि अथवा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को स्थिर करने के लिए परस्पर आपस में अन्योन्य विरुद्ध एक दृष्टि के साथ विरोध करते हैं विरोध करते हैं ठीक है नहीं फिर शांतमुखमहान्धकारो मज्ज च भूरे यशस्तु उपजनो दर्पती काशने यत्पादाश्रितानां सुदिशमभिनय रात्रिरत्राय नमो तत्पादो दहालयीयौ भगवयविनदौ सर्वभावैः।